दोस्तों, आप बढ़ते वजन से परेशान हैं? शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, बदन में हमेशा दर्द रहता है? याददाश्त कमजोर है और उसे तेज करना चाहते हैं? अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, आंखों से पानी आता हो, धुंधला दिखता हो, पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, खून साफ ना होने की वजह से स्किन पे फोड़े फुंसियां हो रही हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, ग्लो नहीं है, बॉडी में खून की कमी है, समय से पहले बाल सफेद हो गए हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, शरीर दुबला पतला है या मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वजन कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। आज हम आपको इस वीडियो में सौंफ खाने के फायदों के बारे में बताएंगे और सौंफ को किस बीमारी में, कौन कौन सी बीमारी में किस तरह यूज करना है ये भी बताएंगे। तो वीडियो से बने रहिए। सबसे पहले सौंफ की तासीर की बात की जाए तो ये तासीर में ठंडी है, तो इसलिए गर्मियों में इसे ले सकते हो। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, सुबह शौच जाते हो तो एक बार में पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता, पूरे दिन में 2 से 3 बार जाना पड़ता है, अपच की समस्या है, पूरे दिन शरीर पेट भारी महसूस होता है, तो एक काम कीजिए, सुबह सबसे पहले उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी में इसबगोल भूसी का 1 चम्मच मिलाकर पी लीजिए। ये इसबगोल भूसी दोस्तों आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, साथ में जितना पानी पी सके पी लीजिए, इससे आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ होगा। फिर 10 मिनट के बाद 1 चम्मच की मात्रा में आपको सौंफ पाउडर लेना है, 1/2 चम्मच आंवला पाउडर लेना है और 1 गिलास हल्के गर्म पानी में सौंफ और आंवला पाउडर को मिलाकर पी जाना है। पेट की सारी प्रॉब्लम जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अंदरूनी कमजोरी से जूझ रहे हैं, आपकी गलतियों की वजह से वीर्य का नाश हो चुका है जिसके कारण बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, बॉडी में हमेशा आलसपन रहता है, सुस्ती छाई रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कोई भी काम करते हुए जल्दी थक जाते हैं, पूरे दिन नींद आती है, बैठकर जैसे ही अचानक उठते हो तो चक्कर आती है, तो उसे ठीक करने के लिए सौंफ बहुत यूजफुल है। इसके लिए क्या करना है कि 1 चम्मच सौंफ का चूर्ण लेना है, 10 ग्राम सतावर का चूर्ण लेना है और 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा पाउडर लेना है और 10 से 20 ग्राम मिश्री लेनी है। मिश्री आपको इस तरह की लेनी है, ढीले वाली। सतावर और अश्वगंधा की जड़ों का चूर्ण आपको किसी भी मेडिकल या फिर पंसारी के पास मिल जाएगा, ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता। इन तीनों को मिलाकर सुबह दूध के साथ लेना है। जिनको सुबह दूध डाइजेस्ट नहीं होता वो दही के साथ ले, 1/2 लीटर दूध लेना है या फिर लगभग 200 से 250 ग्राम दही लेनी है। लेकिन इसे खाने से पहले आपको सुबह योग या फिर एक्सरसाइज जरूर करना है, पसीना निकलना चाहिए, तभी आप लोगे तो सही से काम करेगा और शरीर को लगेगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाएगी, आप खुद को हमेशा चुस्त दुरुस्त महसूस करोगे। अगर आप दुबले पतले हो, वजन बढ़ाना चाहते हो, तो इसके साथ आपको 4 से 6 केले खाने होंगे, 15 दिनों में ही आप 4 से 5 किलो वजन बढ़ा लोगे। इसके अलावा दोस्तों, आजकल लोग मोटापे से भी बहुत लोग परेशान हैं, तो उनको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 4 चम्मच सौंफ डालना है और उसमें 1 चम्मच जीरा डालना है। इसके अलावा 1 चम्मच सूखा धनिया ऐड करना है और पानी को तब तक गर्म करना है जब तक पानी 1 लीटर से 600 ml तक न बच जाए। फिर से छान कर आपको किसी बर्तन में रख लेना है, आपके पास तांबे वाली बोतल होगी उसमें रख लेना है, प्लास्टिक बोतल में नहीं रखना, ध्यान रखिएगा, आपको तांबे के बोतल में या फिर किसी स्टील के बर्तन में ढक कर रख दीजिए, इसे फ्रिज में भी नहीं रखना। इस पानी को आपको सुबह खाली पेट और दोपहर के खाना खाने के 10 मिनट पहले पीना है। आपको पानी गुनगुना ही पीना है, हल्का गर्म ही पीना है, तो सुबह आप गर्म पी लोगे और दोपहर को पीने से पहले थोड़ा गर्म कर लीजिएगा और इसे आराम से सिप सिप करके पीना है। इसे पीने के लिए 4 से 5 मिनट का समय जरूर लें। इससे आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा या आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा, क्योंकि मोटापा बढ़ने का कारण मेटाबॉलिज्म स्लो होना होता है। मोटापा अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस से बड़ा है, यानी कि थायराइड है, तो भी आप इस तरह से लीजिए। इस ड्रिंक से बॉडी में जमा चर्बी पिघलने लगेगी जिससे वजन तेजी से कम होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम है तो लौकी का फायदा जरूर उठाइए। 1 से 2 गिलास लौकी का जूस पूरे दिन में जरूर पीजिए। लौकी दोस्तों आपके वजन को कम करने में काफी हेल्प करेगी, तो 1 गिलास या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास पीने हैं। इससे ज्यादा लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हो गई है, हड्डियों से आवाज आती है,
जोड़ों में, घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, उठने बैठने चलने में परेशानी आती है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द होता हो, तो दोस्तों ये सारी समस्याएं शरीर में वात बढ़ने से, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी से होता है। तो आपको क्या करना है कि रात को इस तरह 2 चम्मच सफेद तिल को थोड़े से पानी में भिगोना है और 4 से 5 बादाम भिगो देने हैं। सुबह आपको सबसे पहले उठने के बाद 2 से 3 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है और नाश्ते के 1 घंटे या फिर आधे घंटे पहले ये तिल के बीजों को और बादाम के छिलके उतारकर 10 ग्राम मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री का सेवन ना करें। इससे दोस्तों शरीर में कैल्शियम की कमी तेजी से पूरी होगी और वात को संतुलित रखने के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए। कम से कम 8 घंटे तक रखा हुआ पानी होना चाहिए, वही काम का है। तो आपको रात को ही तांबे के किसी बर्तन में पानी रख देना है और उस तांबे के पानी को आपको पूरे दिन पीना है। और सुबह नाश्ते के बाद आपको एक काम करना है, तांबे के बर्तन वाला जो पानी है लगभग 1 कप आप एक पैन में डाल दीजिए, उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच सौंफ और 1 छोटी सी दालचीनी की स्टिक और साथ में आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती भी मिला सकते हैं। इसे चाय की तरह बनाकर सुबह नाश्ते के बाद पी लीजिए। इससे वात संतुलित रहेगा, पाचन अच्छा होगा और ये शरीर को डिटॉक्स करेगा। ऐसा आपको रोजाना करना है। सुबह नाश्ते के बाद आपको सौंफ और दालचीनी वाली चाय बनानी है और पीना है। विटामिन डी के लिए सुबह का धूप जरूर लीजिए। विटामिन डी दोस्तों, जो भी आप कैल्शियम इंटेक करते हो, कैल्शियम खाते हो, फूड्स लेते हो, तो उसे अवशोषित करने में विटामिन डी की जरूरत होती है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूर्य की रोशनी, तो सुबह 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी जरूर लें। ये जो रेमेडी मैंने बताया दोस्तों, ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करेगा, हड्डियों में जोड़ों में होने वाले दर्द खत्म हो जाएंगे, हड्डियों से कटकट की जो आवाज आती है वो भी बंद हो जाएगी, कमर दर्द, पीठ दर्द, अर्थराइटिस या फिर गठिया रोग, इन सब से आपको राहत मिलेगी, आपका वात संतुलित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर उम्र से पहले झुर्रियां आ गई हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरा बूढ़ा लगने लगा है, समय से पहले आप बूढ़े दिखने लग गए हो, तो इसके लिए आपको अपने डाइट में हाई प्रोटीन वाली चीजें शामिल करना चाहिए, साथ ही विटामिन सी वाली चीजें और कैल्शियम भी लेना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप भीगे हुए मूंगफली, पीनट बटर, पनीर, सोयाबीन या सुबह भीगा चना खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे खा सकते हैं। साथ ही आपको 1 चम्मच आंवले का चूर्ण लेना है और 1 चम्मच सौंफ का चूर्ण लेना है और इन दोनों को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह पी लेना है। आप इसमें चाहे तो 1 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक वाले लोग शहद का इस्तेमाल ना करें और शहद भी आपको गर्म पानी में नहीं डालना है। जब पानी हल्का गुनगुना रहे, हल्का गर्म रहे तो आप डाल सकते हो। गर्म चीजों में शहद नहीं खाया जाता, इससे विटामिन सी पूरा होगा, साथ ही आप जो कुछ भी खाएंगे उसे अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और उस भोजन का पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। कैल्शियम पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, जो खाने वाला चूना मिलता है पान की दुकान में, लोग पान में जो लगाते हैं वो वाला चूना, आपको रोजाना 1 ग्राम की मात्रा में, ध्यान रखिएगा 1 ग्राम की मात्रा में दही के साथ, दाल के साथ या फिर जूस में घोल कर लेना है और इसे लगातार आपको 21 दिनों तक लेना है। इससे ज्यादा ना लें क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 21 दिनों तक 1 ग्राम की मात्रा में दही में घोल कर लीजिए, दाल में या फिर किसी जूस में घोल कर पी लीजिए। इससे कैल्शियम की कमी बहुत ही तेजी से पूरी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो झुर्रियां गई हैं वो गायब होने लग जाएगी, आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे, डार्क सर्कल गायब हो जाएगी, चेहरा हमेशा हाइड्रेट रहेगा और चेहरा खिला खिला रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आखिरी उपाय बताता हूँ सौंफ से जुड़ा हुआ। अगर आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, आंखों से पानी आता है, धुंधला दिखता है, आंखों में दर्द होता है, तो इसका वजह दोस्तों बहुत सारे से हो सकते हैं। सबसे पहला वजह है कि ज्यादातर हम अपना समय स्क्रीन के सामने गुजारते हैं। दूसरा वजह है कि हम अपने खाने में वो पौष्टिक तत्व नहीं ले पाते जो आंखों को जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए वाली चीजें लेनी है। इसके अलावा आपको एक बहुत ही अच्छा रेमेडी बता रहा हूँ जिसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक करना है। आपको 100 ग्राम सौंफ लेने हैं, ये बड़ी वाली सौंफ लेनी है, 100 ग्राम मिश्री लेना है, मिश्री आपको इस तरह का लेना है ढेले वाली, ये आपको किसी भी किराने दुकान में मिल जाएगी, 100 ग्राम आपको बादाम लेने हैं और 50 ग्राम अलसी लेनी है। सौंफ और अलसी को थोड़ा भून लेना है, जी हाँ, ज्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जो इसमें पानी है वो निकल जाए।
फिर आपको सौंफ, मिश्री, बादाम और अलसी को ग्राइंड कर चूरन बना लेना है। और इस चूरन को रोज रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में बच्चों के लिए 1 से 2 चम्मच और बड़ों के लिए 2 से 3 चम्मच दूध में घोल कर पीना है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा, स्किन और बाल आपके हेल्दी हो जाएंगे। इसमें कैल्शियम भी है जो हड्डियों को मजबूत करेगा। ऐसा बड़े, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग ले सकते हैं और सभी को लेना ही चाहिए। और रात को दूध बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को पीना चाहिए। आप हमेशा इस तरह स्वस्थ रहोगे। दोस्तों, आप आयुर्वेद के छोटे छोटे नियम अपना लीजिए, योग कीजिए, आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी जानकारियां आपको इस चैनल में मिलेगी। तब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। वीडियो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर बताइएगा। इसके अलावा सौंफ के और भी क्या यूजेस हैं अगर आप जानते हो तो आप कमेंट्स कर बताइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।